यह दिन उस उन खास लोगों के लिए जो हमारे जीवन का आधार है, हमारे दादा दादी नाना नानी बच्चों के जीवन में उनका जो अहम रोल है वो बेजोड़ है। आज हम उसी प्यार मार्गदर्शन और स्नेह का जश्न मनाने के लिए भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे परिवार की रीढ़ है। वे न सिर्फ हमें प्यार और सुरक्षा दे रहे हैं बल्कि हमारी संस्कृति परंपरा से भी हमें करते हमें त्योहारों रीति रिवाजों और हमारे इतिहास से परिचित कराते हैं जिससे बच्चों अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं। दादा दादी का साथ बच्चों के लिए भावात्मक सहारा होता है। उनके पास धैर्य और जीवन के अनुभव जिससे वे बच्चों को समझदारी और स्नेह के साथ संभालते हैं। उनकी कहानियाँ और जीवन के अनुभवों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो नैतिक मूल्य हो या जीवन की मुश्किलों का सामना वो आसानी से पार पा जाते हैं। दादा दादी नाना नानी बच्चों का बिना शर्त के प्यार देते हैं। वे बच्चों को समझते हैं, समझाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं। बच्चों को उनके साथ रहने से एक खास आत्मविश्वास और सुरक्षा महसूस होती है। वैसे मैं खुद देखा है कि जिन बच्चों के दादा दादी के साथ नाना नानी के साथ गहरा रिश्ता होता है भावात्मक रूप से मजबूत होते हैं, वे ज़्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार होते हैं और समाज में बेहतर तालमेल दादा दादी केवल प्यार ही नहीं देते, वे बच्चों को जीवन के महत्व को सबक भी सिखाते हैं, मेहनत और सम्मान का महत्व समझाते हैं, साथ ही कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्य को भी समझाते हैं। मुझे एक बच्ची ने बताया जिसका नाम आयशा है, उसके दादा दादी आए हुए हैं। दादी उसे धोखा तो हमेशा कहानी सुनाते सुनाते हैं जिससे उसकी बेवकूफी और समझदारी का महत्व समझ में आता है। ये कहानियाँ बच्चों के अंदर नैतिकता और मानवीय मूल्य बढ़ती है। अंत में दादा दादी और नाना नानी के साथ रहना बच्चों के जीवन में अमूल्य योगदान देता है। वे बच्चों को जीवन की चुनौतियों से निपटना संस्कार और जिम्मेदारियां सिखाते हैं। आज के दिन हम अपने दादा दादी और नाना नानी को दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इतना प्यार और मार्गदर्शन दिया। थैंक यू।